विध्वंसक बाढ़। तबाही के तूफान। आसमानी गाज में होता संहार। बिना युद्ध के फूकते बारूद। बिना जंग के दहाड़ते फाइटर। और चीन की फैलाई बीमारी में तड़पती दुनिया। एक साथ दुनिया पर इंसानी से लेकर कुदरती तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है जिससे किसी समाज, देश या क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर खतरा मंडरा रहा है। और इसलिए लोगों के मन में बढ़ रही है आशंका कि क्या ब्रह्मांड में चल रही घटनाओं का धरती पर असर हो रहा है। क्या ये ग्रहणों का भयानक असर है कि हिंदुस्तान की उत्तरी सरहद पर उथल पुथल मची है? क्या ये ग्रहणों का असर है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है? क्या ये ग्रहण का असर है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हुए हैं? क्या ये ग्रहण का असर है कि कोरोना महामारी फैलाने वाले चीन के खिलाफ दुनिया में क्रोध बढ़ता जा रहा है? शायद एक ग्रहण का असर ही है कि भारत चीन की सरहद पर दोनों देशों की हजारों की फौज इकट्ठा हो चुकी है। और क्या एक महीने में तीसरे ग्रहण के असर से क्या कोरोना और बेकाबू होगा? क्या चंद्र ग्रहण कराएगा चीन पर पलटवार? क्या प्राकृतिक आपदाओं से कोहराम मचेगा? क्या बाढ़, भूकंप, तूफान, बीमारी मुसीबत बनेगी? इन आशंकाओं को लेकर पंडितों और जानकारों में चर्चा जारी है, क्योंकि वैसे तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जैसी खोखले घटनाएं अनंत काल से होती आई है, लेकिन 2019 और 2020 में आए दो खगोले योग के असर को लेकर दुनिया डरी सहमी है, क्योंकि 2019 के दिसंबर में बना था तीन चंद्र ग्रहणों का दुर्योग, जिसके बाद कोरोना की महामारी ने दुनिया को जकड़ा, और अब जुलाई में हो रहा है साल का चौथा ग्रहण और तीसरा चंद्र ग्रहण। पांच जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण साल का चौथा ग्रहण और तीसरा चंद्र ग्रहण है। यह सुबह 8:34 से शुरू होगा और 11:21 पर खत्म हो जाएगा, मतलब चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 2:43:54 की होगी। ग्रहण का वक्त दिन में है, लिहाजा भारत में इसे देखना मुमकिन नहीं होगा। साथ ही पंडितों के मुताबिक इस ग्रहण का सूतक भी भारत में मान्य नहीं होगा। पांच जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है, मतलब इसमें ना तो चांद धरती की परछाई से कटा हुआ दिखाई देगा और ना ही गायब होगा, लेकिन पृथ्वी की ऊपरी छाया के असर से चांद की चमक मलिन पड़ जाएगी। इस चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि ग्रहण होते हुए भी इसमें ग्रहण नहीं दिखेगा। हालांकि ये ग्रहण गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है। ये लगातार तीसरा साल है जब गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण के असर के हिसाब से भी इसे अच्छा नहीं माना जा रहा, क्योंकि 5 जून से 5 जुलाई के बीच तीन ग्रहण लगे हैं और उसमें ये तीसरा ग्रहण है। माना जाता है कि एक महीने के अंदर तीन ग्रहणों के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी की आशंका पैदा होती है। ये चंद्र ग्रहण जब लगेगा तब हिंदुस्तान में सुबह के 8:30 रहे होंगे, लिहाजा एशियाई हिस्से में इसका दिखना संभव नहीं होगा। हालांकि अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा, और क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है लिहाजा उन जगहों पर भी चंद्रमा के आकार में कोई बदलाव नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको बता दें कि कल चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। कल चंद्र ग्रहण है, ये इस साल का चौथा ग्रहण और तीसरा चंद्र ग्रहण है। इस ग्रहण को लेकर अक्सर भारतीयों में बड़ी उत्सुकता रहती है। ग्रहण के असर को लेकर, ग्रहण के वक्त को लेकर, सूतक को लेकर लोग जानना चाहते हैं, तमाम जानकारियां। इसलिए हम चंद्र ग्रहण पर आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। ये आपको इस बार के चंद्र ग्रहण की विशेषताएं बताएंगे, ये भी बताएंगे कि क्यों खतरनाक माना जाता है चंद्र ग्रहण का प्रभाव, और साथ ही इस ग्रहण का 12 राशियों पर असर क्या होगा, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर और अंकशास्त्री मौजूद हैं जो अंकों के हिसाब से चंद्र ग्रहण का प्रभाव बताएंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार का चंद्र ग्रहण चीन पर क्या असर डालने वाला है, क्या उत्तरी सरहद पर जो हालात हैं वो बिगड़ेंगे या संभलेंगे, यानी कि जो तनातनी भारत और चीन के बीच दिखाई दे रही है वो हालात सुधरने वाले हैं इस ग्रहण के बाद, या हालात और बिगड़ जाएंगे, दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ जाएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा देता हूं। के सिद्धार्थ वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ साहब आपका। वैराखी न्यूमोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गिन्नी मेहता टेरो कार्ड रीडर और अरविंद त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री साहब भी, पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अभी जो तनाव की स्थिति देखने को हमें मिल रही है भारत और चीन के बीच में, यानी कि एलएसी पर जो देखने को मिल रही है, इस ग्रहण के बाद आज देश भर के लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या हालात बदलने वाले हैं, क्या तनाव बढ़ने वाला है, तनाव घटने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है ये जो चंद्र ग्रहण है ये दुर्योग है। देखिए विद्यानंद जी, यह जो चंद्र ग्रहण लग रहा है इसमें तीन प्रकार का योग बन रहा है। एक तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, दूसरा बन रहा है ग्रहण योग, और तीसरा बन रहा है गज केसरी योग। और यह वृष लग्न में बन रहा है और धनु राशि पर चंद्रमा बृहस्पति और केतु है, और यह गुरु पूर्णिमा के दिन लग रहा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब भी कहते हैं कि छठे आठवें बारहवें में अगर बृहस्पति की युति हो तो कहते हैं कि स्थान करोति जीवा हानि, जहाँ बैठता है स्थान की हानि करता है, यानी उसमें वृद्धि करता है। तो यह जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिदृश्य उत्पन्न हुआ है इसमें भारत का विजय होगा, और घटनाएँ जो भी हैं इसमें सबका समन होगा, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ेगा, भारत का बलाबल बढ़ेगा, और भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी, और इसमें पूरे विश्व के लोग भारत में एकजुट होकर के चीन के खिलाफ लड़ेंगे, और उसमें भारत का विजय होना सुनिश्चित है। इसमें चीन के खिलाफ लड़ेंगे का क्या मतलब, जरा अरविंद जी अच्छे से बताइए। चीन के खिलाफ लड़ेंगे इसका मतलब यह है कि क्या चीन के साथ युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं, या फिर बिना युद्ध के ही जो लड़ाई हम इस वक्त लड़ रहे हैं चीन के खिलाफ उस तरह की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे? देखिए विद्यानंद जी, जो अभी ये जो चल रहा है स्थितियाँ, यह बिना युद्ध हुए ही हम विजय होंगे और हमारा महत्व बढ़ेगा, और युद्ध होने की संभावना नहीं के बराबर है। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, आपके हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, क्या अभी आने वाले दिन जो हैं वो कठिन नजर आ रहे हैं? अगर सिर्फ भारत चीन की बात कर लें, दोनों देशों के रिश्ते की बात कर लें, तनातनी की बात कर लें, तो आपको लग रहा है कि आने वाले दिन कठिन होंगे, मुश्किल होंगे? हाँ राधे राधे जी, मैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री न्यूज नेशन चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से शुभकामनाएं, राधे राधे। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो ये भारत है ये गुरु है, और गुरु सबसे महान होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जीव को, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को जो अंधकार से निकालकर प्रकाश पुंज की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। तो भारत समस्त देशों का, समस्त उसका गुरु है। तो भारत किसी से दबने वाला नहीं, भारत किसी से डरने वाला नहीं, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश हो जी। तो गुरु गुरु की तरह रहता है, हमको किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, तो कोई स्थिति बिगड़ने वाली नहीं है।
और जो कुछ भी होगा वो भारत के सहयोग में होगा, भारत के लिए बेटर होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है और ग्रहों का अपना एक हिसाब होता है। देखिए अब क्योंकि गजकेसरी योग हो गया, बन गया है जी, ये हमारे चैनल से बोला भी है, और ये योग बहुत अच्छा होता है और गुरु है तो क्योंकि बृहस्पति हमारे फेवर में है और हमारे राष्ट्र के फेवर में है और स्वयं बृहस्पति जिसको कहते हैं वही भारत है, गुरु भारत है, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप खुद डरेंगे हमसे। ठीक है पंडित जी, गुरु किसी को प्रणाम नहीं करता है, चेला जितने भी हैं, शिष्य जितने भी हैं, वो ऑलवेज सबको प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। ठीक है भाई राखी जी, ऐसा क्योंकि आप लोग कह रही हैं कि ये जो ग्रहण होने जा रहा है इसका बहुत असर हिंदुस्तान पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, यूरोप की कंट्रीज में और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया की कंट्रीज में इस ग्रहण का ज्यादा असर होगा, तो भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ग्रहण के बाद क्या कुछ बदलने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए भारत के दृष्टिकोण से देखें तो मैं आपको बोलूं ग्रहण एक खगोलीय घटना है, पहली बात तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है और फिर दूसरा ये ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन एक बात भी ज्योतिष मानता है कि चंद्रमा एक है, सूरज एक है, तो कहीं पर भी ग्रहण लगे इसका असर आपकी और मेरी ज़िंदगी पर ज़रूर होता है, पॉजिटिव असर होगा। और बात रही चाइना की तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, कोरोना तो थोड़ा बढ़ेगा ही, अभी कोरोना हमारे काबू में आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन बात चाइना की अगर करें तो ग्रहण हो या ना हो हम नंबर वन थे, हम नंबर वन हैं और हम नंबर वन रहेंगे, ग्रहण नहीं होगा तो भी हम ही जीतेंगे, ग्रहण होगा तो भी हम ही जीतेंगे। चाइना इस ग्रहण के बाद अपनी कूटनीतियों से बाज नहीं आएगा, वो इशारा करेगा सीधे हाथ की तरफ और हमारे देश में घुसेगा उल्टे हाथ की तरफ से, क्योंकि चोरी से घुसने की चाइना की आदत ही है, चाइना हो नेपाल हो ये सब मुसीबतें और प्रॉब्लम्स ये हिंदुस्तान के लिए खड़ा करते रहेंगे, लेकिन ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। अंकों की रहस्यमयी दुनिया से अगर मैं भारत वर्ष की कुंडली की बात करूं तो जीत हमारी ही होगी और आने वाले चंद कुछ महीनों में सितंबर तक भारत एक बहुत विशाल संख्या में निकल कर बाहर आने वाला है और इस ग्रहण की वजह से हमें कोरोना की मेडिसिन मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि मौसम सावन का है, बम बम भोले आ रहे हैं, गुरुओं का समय है, तो थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ सकता है, लेकिन जीत और आने वाला समय बहुत खूबसूरत है, तो प्लीज बिल्कुल ना डरे और पड़ोसी और दुश्मनों से तो बिल्कुल नहीं। कि अगर एक महीने के भीतर तीन ग्रहण हो तो उसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, हम कुछ तस्वीरें अभी दिखा रहे थे जो चीन की तस्वीरें हैं, जो ये दिखा रही हैं तस्वीरें कि चीन में किस तरीके से प्राकृतिक आपदा अभी से देखने को मिल रही है, तो क्या आने वाले दिनों में चीन पर यह प्राकृतिक आपदा की मार और ज्यादा बढ़ने वाली है? हमारे साथ के सिद्धार्थ साहब हैं, वैज्ञानिक हैं। के सिद्धार्थ साहब, एक खगोलीय घटना के तौर पर आप इस पूरी घटना को देखते हैं, आप लोग वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो आपको लग रहा है कि अगर ग्रहण होता है तो उसका असर भारत चीन की एलएसी पर कुछ दिखाई देगा या फिर भारत चीन के रिश्तों पर दिखाई देगा, ये जो तनाव है इस पर कुछ असर हो सकता है? ग्रहण का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्रहण किसी भी तरह से कूटनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय भावों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी भी तरह से प्रभावित करने का कोई कार्य नहीं करता है। हाँ, भारत चीन के संबंध की बात चली आती है तो यह संबंध है बहुत से कारणों से प्रभावित होगा, लेकिन आप जानेंगे कि आज चंद्र ग्रहण की ही बात नहीं महत्वपूर्ण नहीं है, आज का जो दिन है वो सुपर स्पेशल है क्योंकि आज प्लैनेट्स परेड है। प्लैनेट्स परेड का मतलब कि सारे के सारे प्लैनेट आपके एक रेखा में है, एक लाइन में है। तो खगोलीय घटना जो आज की है वह खगोलीय घटना आपके पास में ऐसे देखने को मिलेगी 2161 में जाकर मिलेगी, तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जहाँ रहा कि चीन की बात चली आती है कि चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चीन के ऊपर जिस बात का प्रभाव पड़ सकता है वो प्रभाव सकता पड़ सकता है कि हिंद महासागर में भारत की तैयारी कैसी है, दूसरी कि मलाका स्ट्रेट के जितने भी जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कैसे करके रखी है कि चीन को वहां पर ब्लॉक कर सकते हैं जी, तीसरी कि क्वाड वाले जितने भी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स है, इनका गठबंधन कितना मजबूत होगा, चौथा कि रफेल हमारे पास में कितनी तेजी से हमारे पास में आ पहुंचता है, चौथा S-1400 हमें इस बार डिलीवर होगा या नहीं होगा, इतने सारी चीजें हैं जो भारत और चीन के संबंध को निर्धारित करने का काम करेंगी। अगर हमारे पास में S-400 अगर चला आता अभी तो चीन की मजाल नहीं है जी। एक सवाल मेरा आपसे है,
कि ज्योतिष कहता है कि ये जो घटनाएं घटती हैं जिसे आप लोग खगोलीय घटना कहते हैं, इसका असर होता है मानव जीवन पर, होता है मानव पर, होता है प्रकृति पर होता है। आप लोग इस खगोलीय घटना से कुछ असर देखते हैं क्या? आप लोगों को लगता है अगर ये खगोलीय घटना ही है तो इसका बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव कुछ ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर कैसे देखते हैं? नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझिए, ग्रहण की संकल्पना क्या है? नहीं, ग्रहण की संकल्पना क्या है? ग्रहण की संकल्पना है कि अगर किसी वस्तु के प्रकाश में, किसी के ऑरा में, किसी के इज्जत में कहीं कोई फर्क पड़ता है तो ग्रहण का अर्थ प्रतीकात्मक होता है। तो इसका मतलब हो गया कि उस व्यक्ति के उस प्रकाश में कुछ दाग लग गया। जब दाग लगने की बात होती है तो कहा था कि ग्रहण लग गया। ग्रहण आपकी इज्जत पर भी लग सकता है, आपके व्यवसाय पर भी लग सकता है, यहाँ पर चांद पर लग जाता है। सिर्फ इतनी ही बात है, यह प्रतीकात्मक है पूरी तरह से। इसका अर्थ कहीं भी नहीं होता है कि कुछ बुरा होगा, कुछ अनर्थ होगा। ठीक है सर, लेकिन लाखों करोड़ों लोग हैं, एक रेखा में चले आते हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और इस तरह की घटनाओं के दौरान वो ज्योतिष के बताए अनुसार अपने काम भी करते हैं। अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। अरविंद त्रिपाठी जी, शुरुआत की जो छह राशियां हैं उनके बारे में बताइए जरा कि इस ग्रहण का क्या असर पड़ने वाला है इन राशियों पर। जी 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 जी, पहले तो हम आपको विद्यानंद जी ये बता दें कि जो वैज्ञानिक महोदय के सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, मैं उनकी बातों से कहीं से भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान में ताकत नहीं है कि व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर सके, वह सिर्फ ज्योतिष ही बता सकता है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में बहुत माइनर अंतर होता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोल के बारे में जाना जाता है और एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान की परिकल्पना की जाती है। कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जायता, चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा किसी भी भविष्यवाणी करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो प्रकृति में जो भी घटनाएँ होती हैं, जैसे समुद्री तूफान हुआ, दुर्घटनाएं हुई, मन का विचलन हुआ, ये सारे के पीछे कारण है चंद्रमा। तो इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण कैसा रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से यह नौवें लग रहा है। तो ये जो मेष राशि वाले जातक हैं बहुत भाग्यशाली होंगे, इनका भाग्य से सारे कार्य संपन्न होगा और इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय चल रहा है। अगर ये कोई भी इनका पाइपलाइन में कार्य अगर करने का एफर्ट करते हैं तो उसमें उनको बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। और जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है और दूध दही या खीर या दूध से बनी मिष्ठान अगर किसी मंदिर में दान करें या किसी गरीब को खिलावें, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं उनके राशि से आठवें यह ग्रहण लग रहा है। अष्टम भाव का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को मानसिक चिंता हो सकती है, उद्विग्नता हो सकती है, आपके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कोई भी कार्य सोच समझ करके करें और जो भी आप प्लान करते हैं उसको थोड़ा सा होल्ड करने की जरूरत है, नहीं तो उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है। शेयर इत्यादि खरीदने से परहेज करने की जरूरत है। इसमें आपको क्या करना है कि खीर वितरण करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनके राशि से सातवें लग रहा है। तो एक तो आप पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है, पत्नी की सेहत को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है और परिवार में किसी प्रकार की वाद विवाद हो सकता है, तो आपको मध्यम मार्ग अपनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और पारिवारिक कलह से बचने की जरूरत है। आज आपको क्या करना है कि मूँग की दाल या मूंग की खिचड़ी मंदिर में दान करें या हरा मूंग दान करें और इससे बेहतर होगा कि गौशाला में जाके हरा चारा अपने हाथ से खिलावें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनके राशि से छठे लग रहा है। तो इसमें आपके रोग और शत्रु बढ़ेंगे, आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, आप अपने को शत्रुओं से घिरे हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी हौसला में स्वतंत्रता से आप विरोधियों को परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। खर्च पर नियंत्रण करने की जरूरत है, शेयर इत्यादि में पूंजी निवेश न करें और द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करने की जरूरत है। ठीक, आपको क्या करना है कि आप मंत्र लिख लें, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात, इस मंत्र का आप एक माला तीन माला जप करें और सफ़ेद वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की।
तो जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनके लिए उनके पांचवें भाव में लग रहा है, तो पांचवा भाव संतान भाव होता है, तो आपको संतान लाभ होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे, ढेर सारे कार्य एक साथ होने की संभावना बढ़ रही है, संतान से प्रकृति से मन आपका प्रसन्न रहेगा। आज आप क्या करें कि भगवान सूर्य की आराधना करें और चने का दाल अर्पित करें और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का ग्रहण काल में कम 3 माला जप करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके राशि से ये चौथे भाव में लग रहा है, तो चौथा भाव एक तो आपको सुख संबंधी सुविधाएं बढ़ेगी, आप जगह जमीन खरीद सकते हैं, माता का विशेष सुख मिलेगा और प्रॉपर्टी इत्यादि में कोई पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और हरा चारा गाय को आप खिलाइए और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की जी। तो जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके राशि से तीसरे लग रहा है, एक तो आपकी पारिवारिक स्थिति में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तनाव हो सकता है, भाई बहनों से टेंशन हो सकता है, और अगर घर में कोई अविवाहित है तो उनके शादी विवाह का भी योग बन रहा है। और आप क्या करें कि दूध से बनी मिठाई को मंदिर में अगर आप वितरण करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, और ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, बाकी की राशियों के लिए आपके पास लौट कर आएंगे। गिन्नी मेहता टैरो कार्ड रीडर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि टैरो कार्ड के हिसाब से कौन सी राशि पर क्या असर पड़ रहा है, कौन सी राशि पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है और कौन सी राशि के लिए अच्छे फल मिलने वाले हैं इस ग्रहण पर, उनके पास चलते हैं। गिन्नी मेहता, जरा आप बता दीजिए एक बार शुरुआत की जो 6 राशियां हैं उस पर क्या असर हो रहा है इस ग्रहण का। जी, पहली राशि जो है वो है मेष राशि, और मेष राशि के लिए जैसा मैं देख पा रही हूँ इमोशनली बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है, बहुत ही खुशियों भरा माहौल होने वाला है, घर पे कुछ सेलिब्रेशंस होने वाली है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि वो अपने घर में फ्रेग्रेंस रखे, खुशबू रखे, अगरबत्ती चलाएं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उनको अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, ज़्यादा ही किसी पे विश्वास ना करें नहीं तो धोखा मिल सकता है। और इनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये सूर्य को जल दें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, जैसे कि मिथुन राशि का मैं देख पा रही हूँ उनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, फाइनेंस को लेकर स्पेशली उनकी चीज़ें जो भी अभी तक उन्होंने बिजनेस के लिए सोची होंगी वो लाइंड अप होके एक एक करके हो जाएंगी। ये लोग अपने कमरे में पानी भर के रखें एक कटोरे में, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जी, कर्क राशि वालों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो खुद ही सोच के बैठेंगे कि डिफिकल्टीज़ है, बट डिफिकल्टीज़ है नहीं, फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है, लोग खुद से आके उनको सजेशंस देंगे कि ऐसा काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इनके लिए मैं ये उपाय देना चाहूँगी कि ये कोशिश करें कि वाइट कपड़े ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक,